नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका पिंपरी चिंचवड़ के बर्ड वैली ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, ये पिंपरी चिंचवड़ का बर्ड वैली उद्यान चिंचवड़ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको स्पेशली बोटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ का जो लाइट एंड शो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ का जो बहुत बड़ा गार्डन एरिया है वो आपको स्पेशली यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस बर्ड वैली को विजिट करने के लिए आपको पुणे रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वही अगर आप पिंपरी चिंचवड़ से आ रहे हो तो बस 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहां आ सकते हो। इसके सामने ही आपको पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा, जहां से 10 रुपये की टिकट पे करके आप पार्किंग कर सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में आपको टिकट काउंटर है, जहाँ से 20 रुपये की टिकट पे करके आप इस बर्ड वैली उद्यान की सैर कर सकते हो। दोस्तों, ये बर्ड वैली जो उद्यान है 2008 के दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये पूरा 26 एकड़ में फैला हुआ ये बर्ड वैली उद्यान 2 करोड़ के लागत से बना हुआ है। दोस्तों, पिंपरी चिंचवड़ का ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। सैटरडे संडे को यहाँ आपको बहुत सारी भीड़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वीकली मंडे टू संडे दोपहर के 12 से लेकर शाम के 9 बजे तक ये उद्यान चालू रहता है। इसी बीच आप इस उद्यान को विजिट कर सकते हो दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इस उद्यान में क्या क्या देखने को मिलेगा और आप किस प्रकार एंजॉय कर सकते हो ये दिखाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्टिंग में आपको सेकंड एंट्रेंस गेट क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट साइड में आपको एक टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप यहाँ की जो बोटिंग फैसिलिटी है वहाँ के लिए टिकट निकाल सकते हो। दोस्तों, बेसिकली यहाँ 2 टाइप की बोटिंग होती है। फर्स्ट टाइप में आप अपने ग्रुप के साथ बोटिंग कर सकते हो। अगर आपको बोटिंग चलाना नहीं है, अगर आपके दोस्तों के साथ आपको एंजॉय लेना है, बस बोटिंग का आनंद लेना है, तो आप इस बोट में बैठ के अपने ग्रुप के साथ पूरे जो तालाब है उसका एंजॉय आप यहाँ ले सकते हो। और सेकंड टाइप के बोटिंग में आपको पेयर के साथ बोटिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको 2 पेयर आपको बोटिंग खुद चलानी पड़ती है। दोस्तों, ये दोनों भी बोटिंग करने के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आपको इस पार्क में जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, आपको बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। दोस्तों, अगर इस बोटिंग का एंजॉय करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसी बर्ड वैली में पूरे सर्कल एरिया में आपको पूरा गार्डन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए यहाँ आपको बहुत सारे इवेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय ले सकते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे गार्डन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ आप अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ले सकते हो। ये पूरी बर्ड वैली एक सर्कुलर एरिया से घिरी हुई है। ये पूरा 26 एकड़ का एरिया है दोस्तों। यहाँ से आप पूरे तालाब का नज़ारा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तालाब के बीच में आपको ये ईगल का बहुत बड़ा स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। तो शाम के वक्त इस तालाब में और इस गार्डन का एंजॉय लेने के बाद अभी टाइम आता है यहाँ के लाइट एंड शो का, जो कि 7:30 बजे चालू होता है और उसका टिकट आपको 7 बजे के बाद मिलना शुरू हो जाता है। इस लाइट एंड शो का टिकट ओनली 20 रुपीज़ है। तो दोस्तों, ऐसे पिंपरी चिंचवड़ के शानदार बर्ड वैली को विजिट करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबको जय हिंद।